सो हे गाइस, क्या हाल है तुम सभी के। आई होप कि तुम सब अच्छे नहीं हो, मेरे को पता है। और हाँ, सॉरी क्योंकि बीच बीच में गायब हो जाता हूँ, फंस जाता हूँ यार घर के कामों में। तुम्हें क्या लगा? देखो, YouTube पर वीडियो नहीं आ रहा था इतना टाइम से। रीजन ये है कि मेरा खुद व्यूज नहीं आ रहा था, और जब मेरा व्यूज नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, फिर बनना तुम ही लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि भाई तेरा व्यूज नहीं आ रहा और तू हमें बता रहा है व्यूज कैसे बढ़ा। अच्छा, हमको सिखा रहा है। सो इसको रखते साइड में। सो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 10-15-20-25 व्यूज आ रहा बहुत सारे लोगों का। और भाई तुम एक कहानी सुनोगे, मेरा साथ ये केस खुद हो गया था। मतलब मेरा वीडियो में खुद 0 व्यूज वाला सिस्टम हो गया था, 0 व्यूज आ रहा था। मैं खुद डर गया भाई क्या करूं, और मेरा कोई बड़ा यूट्यूबर से कॉन्टेक्ट भी नहीं है, ठीक है, मुझे खुद के दम खड़ा होना। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आता बट मैं रिप्लाई नहीं करता, उसके लिए सॉरी। क्या गंदा बेहूदा इंसान। और मेरा वीडियो पर खुद व्यूज 0 हो गया था, मतलब कुछ वीडियो पर 0 व्यूज आ रहा, कुछ वीडियो पर 15 व्यूज आ रहा, मतलब अच्छा खासा अकाउंट एक बैग लेकर बैठ गया। अब मैं सोचू भाई क्या अभी तो सही हो गया, वही बताने वाला हूँ कि आपको कैसे सही करना है। और मैंने आपके सामने लाइव प्रूफ सही किया है। आपको यकीन नहीं आता तो आप जाकर इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे यूजरनेम सर्च करके देख सकते हो मेरा अकाउंट को। बहुत तेज हो रहा है। सो अब मेरा लाइक व्यूज थोड़ा सही आ रहा, अब थोड़ा जान में जान आया, तो मेरे को लगा नहीं अब यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहिए, अब आपको बताना चाहिए कि आपको कैसे ये चीज को सही करना है। बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि भाई प्लीज हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरा भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। और जब मैं उनका अकाउंट पर विजिट करता हूं तो मुझे वहां पर भी उनका वही चीज देखने के लिए मिलता जो प्रॉब्लम मेरे साथ आ रहा था। 0 व्यूज आ रहा है, 10 व्यूज आ रहा है, 15 व्यूज आ रहा है, 100 व्यूज आ रहा है, 200 व्यूज आ रहा है, उससे ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में आपको जो जो चीज बताने वाला हूं, अगर आप वो सब करते हो तो आपका व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो 10-15-20 व्यूज जो आ रहा है ना आपके अकाउंट पर, ये चीज सही हो जाएगा। सो ये चीज कैसे आपको सही करना, वही आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो बस बात यही इतना सही कि जो जो मैं आपको बताने वाला हूं वही चीज आपको करना है अच्छा से समझ के। मंजूर है? और बिना समझे करोगे तो भाई कुछ भी ट्रिक वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए वीडियोस को ध्यान से देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपको करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपने जो भी इंस्टाग्राम पर रील सेक्शन पर जाना और आपने जो भी रील्स वीडियो अपलोड कर रखा है, कुछ रील्स वीडियो को आपको डिलीट करना है। अब कौन सा रील्स वीडियो को आपको डिलीट करना है वो सुन ले, कोई भी जाकर रील्स वीडियो को डिलीट मत कर देना, पहले यहाँ पर सुनो। आपको वो रील्स वीडियो को डिलीट करना है जिस रील्स वीडियो पर 200 व्यूज है, 300 व्यूज है, लाइक्स 5-6 व्यूज है, या रील्स वीडियो पर 1000 भी व्यूज है बट उस वीडियो पर लाइक्स कितना है, 10-15 व्यूज लाइक्स है। तो आपको क्या करना है, उस रील्स वीडियो को डिलीट कर देना है, ठीक है, अकाउंट से उड़ा देना है। जितना चाहो आप रील्स वीडियो को डिलीट कर दो, मतलब आपने अगर बहुत ज्यादा रील्स वीडियो अपलोड कर रखा है और आपको लगे उस रील्स वीडियो का पहले दिल से देखो अच्छा से बैठ कर कि आपको लगे कि हाँ ये रील्स वीडियो मेरे को सही नहीं लग रहा भाई, ये आगे जाके नहीं चलेगा, ये स्टॉप ही होने वाला, फ्रीज होने वाला, ये आगे जाके नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना, उस रील्स वीडियो को डिलीट कर देना है, ठीक है। और ये अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मैंने ये चीज को किया है, ठीक है। और जब मैंने ये चीज को किया तब मेरे को पता चला कि भाई इससे क्या होता है। फिर आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोफाइल फोटो जो है उसको रिमूव कर देना है 3-4 दिन के लिए, और आपको 3-4 दिन तक रील्स वीडियो अपलोड नहीं करना है। और आपको जो आपका जो अकाउंट जो प्रोफेशनल में कन्वर्ट है उसको अनप्रोफेशनल कर देना है, ये बात आप ध्यान रखना। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा इसी ट्रिक से उनका अकाउंट भी अनफ्रीज हुआ है, बट ये ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है, मेरे को पता है ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तो इसी को हमने थोड़ा अलग तरीके से काम कराया तो ये ट्रिक वर्क कर गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3-4 दिन तक रील्स वीडियो अपलोड नहीं करना है। जो रील्स वीडियो खराब है उसको डिलीट कर देना है, प्रोफाइल फोटो रिमूव कर देना है, स्टोरी स्टोरी लगा सकते हो, स्टोरी देख सकते हो, 3-4 दिन तक आपको रील्स वीडियो अपलोड नहीं करना है, बस ये बात का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको प्रोफाइल फोटो लगाना है, 3-4 दिन के बाद कोई दूसरा प्रोफाइल फोटो लगाना, फिर आपको अपना अकाउंट को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है, फिर आपको रील्स वीडियो को अपलोड करना है। अगर जब भी ये ट्रिक वर्क नहीं करता तो फिर आपको जो आपका आपका जो अकाउंट है उसको अनप्रोफेशनल कर देना है, फिर रील्स वीडियो को अपलोड करना है। अगर जब भी ये ट्रिक वर्क नहीं करता तो फिर आपको जो आपका आपका जो अकाउंट है उसको अनप्रोफेशनल कर देना है, फिर रील्स वीडियो को अपलोड करना है। सो ये जो आपको जो व्यूज वाला प्रॉब्लम है ये सही हो जाएगा, इसी ट्रिक को करके मेरा ये जो रील्स वाला जो प्रॉब्लम है, जो व्यूज जो आ रहा था 0 व्यूज आ रहा था, 10-15 व्यूज आ रहा था, ये वाला प्रॉब्लम भाई मेरा सही हुआ, तब जान में जान आया मेरा। भाई मेरे को लगा भाई छोड़ देना चाहिए सब, बेकार है भाई वीडियोस बनाना, कोई जाके जॉब पकड़ लेते, फिर मैंने सोचा देखते हैं ऐसा करके क्या पता, तो मैंने सिर्फ प्रोफाइल फोटो रिमूव कर दिया था। फिर मैं एक दफा ना मिलाद में था तो मैंने अपने अकाउंट को ना अनप्रोफेशनल कर दिया था, छोड़ दिया था। फिर दूसरा दिन मैंने डीपीओपी लगाया तो मैंने देखा व्यूज आना स्टार्ट हो गया अच्छा खासा, वीडियो में अभी तो व्यूज नहीं आ रहे थे 3-4 दिन से, तब मेरे को पता चला अच्छा मैंने तो ऐसा किया था, तो ऐसे करने से मेरा व्यूज आना स्टार्ट हो गया। सो आप ऐसा करके देखो, देखो आपका रील्स वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी भाई मेरा व्यूज आ रहा है सही, व्यूज जहां पर आ रहा था 10-15-200-300 व्यूज आ रहा था, 200-300 दूर का बाद 15-20 व्यूज आ रहा था, मैंने बोला भाई क्या हो गया, फिर से अकाउंट हो गया खत्म बर्बाद। बट इस ट्रिक को करने के बाद फिर
से मेरा रील्स वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट हो गया। अभी हजार व्यूज आ रहा बट लाइक 300-400 आ रहा है। तो चलो 300-400 लाइक्स आ रहा, चलो ये भी एक सही है। एक दिन मिलियंस में भी आएगा, लाखों में भी आएगा, बस मेहनत करते रहो और मैं तुमको जो चीज बताता रहूंगा वो चीज को तुम लोग को अप्लाई करते रहना। सो जितना तो मैं बता नहीं रहा उतना तो मैं पसीना से नहा जा रहा हूँ। क्या बोला तूने? और अभी कुछ लोग मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले कि भाई सारा रील्स वीडियो डिलीट कर देना है। तो भाई सारा रील्स वीडियो आपको डिलीट नहीं करना है, आपको उस रील्स वीडियो को डिलीट करना है जिस रील्स वीडियो पर व्यूज कम है, यानी कि 200-300 रील्स वीडियो पर व्यूज है या 1000 व्यूज है, या उस वीडियो पर 1000 व्यूज है बट उस वीडियो पर लाइक्स 4-5-6-7 है, तो आपको उस रील्स वीडियो को डिलीट कर देना है। और आपको लगे कि आपको दिल से अगर लगे कि ये रील्स वीडियो आगे जाके नहीं चलने वाला, रील्स खराब लग रहा, क्वालिटी सही है, तो भी रील्स वीडियो को आपको डिलीट कर देना है, इससे आपका अकाउंट थोड़ा हल्का हो जाएगा। सो बस मिलते हैं हम लोग ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब दिल टेक केयर एंड बाय बाय।